कहाँ हो? इधर आओ। इसलिए बुलाए हूँ कि हम लोग का परेशानी सब दूर हो जाएगा। ऐसे बाबा एक है ना, सारा परेशानी दूर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग का मुंह उजाला हो जाएगा, गांव नगर का सबका खुशहाली बन जाएगा कि हम फलमा को बेटा हुआ है। ठीक है, हम लोग हाँ। कब आएंगे, कहाँ पर हैं? अरे बात करके बाबा से आया हूँ, कह रहे हैं कि अभी हम मैं आऊंगा यहाँ पे। अच्छा है ना बाबा, ठीक कर देंगे? हाँ एकदम बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो कब बजले आ जाएंगे बाबा? अरे बाबा आते ही होंगे, रास्ते में होंगे बाबा। तो घर अपना बताए ना किसी जगह? हाँ हाँ सब बता दिए। एड्रेस? हाँ बढ़िया से आएंगे ना? देखो आ गए बाबा, बाबा प्रणाम। मस्त रहो बच्चे, मस्त रहो बच्चा। हाँ बाबा। मैं तो भटक गया था। अच्छा, उधर एक आदमी से पूछा ना। हाँ। तो जो तुम्हारा एड्रेस था, हाँ, उसी पे तब बताया तो मैं यहाँ तक आया हूँ। हाँ। तो अच्छा हुआ कि तुम लोग मिल गए, और यही तुम्हारी औरत? हाँ, है? हाँ, यही है। अच्छा, इतना खूबसूरत औरत है यार तुम्हारी। हाँ, और तुम भी तो हैंडसम हो। हैंडसम हूँ। और तुम लोग का ये दिक्कत? अच्छा, कितना दिन हो गया शादी का? अरे 2-2.5 साल हो गया। अच्छा अच्छा, 2.5 साल हो गया। और बीच में मतलब कोई ऐसा? ना ना, सुनने को नहीं मिला था? अभी नहीं मिला था। कोई खबर नहीं? कोई खबर नहीं। अब बाबा आ गया ना? हाँ, वो तुम लोग का सारा परेशानी खत्म कर देगा। ठीक ना? टेंशन नहीं लेना बच्चा। सब ऊपर वाले करते हैं। हाँ पानी लाओ, बाबा को बैठाते हैं। चला? नहीं 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 नहीं, पानी वानी नहीं चाहिए। अभी मैं तो चौराहे से पी के आ रहा हूँ। अब तो आ गए हैं, तुम्हारे घर खाना है, पीना है, सब करना है ना? रात भर रुकना पड़ेगा। हाँ, अब रात को जब तब करेंगे, उसके बाद से तुम लोग का परेशानी देखेंगे, ठीक करके तब न जाएंगे। हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की बात। हाँ हाँ बच्चा, एक काम करो ना, मैं कुछ सामान लिख दे रहा हूँ, और चौराहे से लेते आओ, और रात में जो होम जाप करना है उसके लिए एक कागज पे नोट कर दे, तो याद कर लो। याद कर देंगे। होम वाला सामान जाके बोल देना ना, तो वो सारा कुछ दे देगा। ठीक है, उसमें कपूर अगरबत्ती होम वाला सामान सारा कुछ दे देगा। कहाँ मिलेगा वो? हार्डवेयर की दुकान? नहीं 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 नहीं, तुम ऐसे क्यों बात करते हो? किराना वाला दुकान से जाके बोल दे। हाँ हाँ हाँ, उससे भी नहीं होगा तो पंसेरी के दुकान पे चला जाना, और वहाँ पे बोल देना, वो सब कुछ दे देगा। ठीक ना? ठीक है बाबा। हाँ हाँ बच्चा, जल्दी से लेके आओ, और रात में खुद भोजन वोजन करने के बाद से हम बैठेंगे। हाँ बच्ची, तुम कहे खड़ी? ठीक कैसे हो? आओ ना इधर, आओ बैठो ना, बैठो ना बच्ची। ओ घबराओ नहीं, बाबा जो पूछेगा बताना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बाबा से क्या शर्म है, आओ ना बैठो। बैठ जाओ। हाँ बच्ची, अब जो बाबा पूछ रहा है ना, वो सही सही बतलाना, तुम्हारा जो भी परेशानी है वो मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक ना? घबराना नहीं, तुम लोग का जो दिन खराब चल रहा है ना, अब समझो कि भगवान तुम्हारे और मतलब अपना निगाह कर लिए हैं। मैं आ गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक ना? बहुत हम लोग परेशान रहते हैं। अच्छा ये बतलाओ कि ये तुम्हारे घर का स्थिति हम देख रहे हैं, तुम्हारा पति बढ़िया कमाता उमाता नहीं है का? काम करते हैं, वही गर्रा माटी काम करता है। गर्रा माटी का काम करता है, इसीलिए तो घर द्वार ऐसा है। तो तुम इतना खूबसूरत हो कि इस गर्रा माटी के वहाँ कैसे इससे शादी कर ली तुम? नसीब में लिखा था? एक बात है ना, कि कर्म से नसीब बनता बिगड़ता है। ठीक ना? तो बाबा का बात मानो ना, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा। तुम्हें एकदम रानी जो होती है, रानी महल की, वैसे तुमको सुख मिलेगा, जो भी मांगोगी दूध मलाई सब खाने को मिलेगा। बस एक काम करना पड़ेगा, जो ये तुम्हारा पगला पति है ना, इसका चक्कर छोड़ दो, और बाबा के साथ समझ रही हो, चलती बनो। फिर तुम्हारा दिमाग में वही लिखा है, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। ठीक ना? मैं कह रहा हूँ तुमको ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया धाम कराऊंगा तुमको। नहीं बाबा, आप झूठ बोल रहे हैं, धाम कराएंगे नहीं।
नहीं 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 मटिया से चलो नहीं बच्ची अपना दिमाग ये जो है ना इसको खोलो। नहीं बाबा मुझे पापा फुसला रहे हैं, आप मेरे पति से दूर कर रहे हैं। नहीं 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 बच्ची तुम यहाँ पे रहोगी कि तो जीवन भर इसी में रह जाओगी, इतना खूबसूरत तुम हो, इतना खूबसूरत शरीर है और तुम यहाँ पे रह के अपना मतलब शरीर का भी ध्यान नहीं देती हो, इस पगला के साथ आके अपना जीवन बर्बाद कर रही हो, ठीक ना? तो बाबा के साथ चलोगी तो बढ़िया बढ़िया धाम कराएगा बाबा और तुमको महल की तरह जो मांगोगी खोआ मलाई दूध सब तुमको मिलेगा खाने को। खोआ मलाई नहीं चाहिए, मैं इसी जगह रहूं, जाने दीजिए। देखो ना बाबा अंतिम बार कह रहा है, बात सुन लेना, उसके बाद से तुम जानना, तुम्हारा काम जानेगा, बाबा तो अपना काम करके चला जाएगा, ठीक ना? जो काम करने आए बाबा वो काम पहले वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक बात सुन लो बच्ची, मच्छर कट रहे हैं ना सब, इसीलिए कह रहा हूँ तुम इस मतलब कचरे में रह के अपना जीवन बर्बाद कर रही हो, फिर मच्छर काट दिया, बाबा को कष्ट हो रहा है, मच्छर तुमको काट रहा है। तो एक काम है ना, ये देखो कितना कोमल हाथ है और ये सुना सुना है और बाबा तुम्हारे लिए सोने का कंगन रखा है, हाँ, और ये तुम्हारा गला है देखो ये धागा पहन रखी हो, अब बाबा तुम्हारे लिए हार रखा है सोने का हार, और बाबा को ऐसे वैसे ना समझो, बाबा के खाता में 50 लाख रुपया है इस वक्त है, हाँ। फिर मेरे पति से मत बताना मैं आपके साथ चलने के लिए। अरे इस कचरे में क्या रहोगी? हाँ बाबा ठीक है, जो मेरे पास है सब तुम्हारा ही है ना। ठीक है बाबा, हाँ? फिर मेरे पति से कुछ मत बताना। नहीं नहीं उससे बताने की क्या जरूरत है, ठीक है? वो गया है अभी आएगा ना, तब तक हम लोग निकल चले, वो हम लोग को कहीं खोज ही नहीं पाएगा, बात समझ रही हो? तो चलो ना, चलो जल्दी करते हैं, निकलो, आ जाओ आ जाओ, अपना ना सामान उमान कस लो बैग में, चलो 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 अभी पगला कहीं से आ जाएगा ना, हम लोग निकल चले चल। ये सुनती हो? अरे तो अरे कहाँ चले गए, बाबा भी नहीं है। अरे पता करो कहीं रास्ते में तो लेकर नहीं भाग। मैं सोचा कि तुम दोनों को ना ले जाके वो जहाँ मेरा मठ है ना वहीं पे होम जाप करना था मुझे, तो यही बात कह दिए। अरे बाबा, अरे बच्चा बाबा भी नहीं, तुम कहाँ बाबा भाग रही हो? नहीं चलो देखना सुनना, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ।